नमस्कार दोस्तों, शशि मिश्रा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने यहाँ लिया है 5 से 6 स्ट्रॉबेरी, 3 से 4 चम्मच हमने चीनी लिया है, एक गार्निशिंग के लिए स्ट्रॉबेरी ले लेंगे, एक ग्लास हमने मिल्क लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लिया है। तो चलिए हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अच्छे से धो लेंगे खूब साफ। ऊपर से हम इसको ऐसे काट लेंगे। एक बार और धो लेंगे हम। अब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, अब इसको हम जार में डाल देंगे। अब हम 3 से 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। दूध को हमने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, 2 चम्मच डाल देंगे। हमने इसको जार में रख दिया, इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक ये स्मूथ ना बन जाए। चलिए अब हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क से अच्छे से ब्लेंड हो गया है, अब इसको हम ग्लास में निकाल देंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हमने रखा था गार्निशिंग के लिए, लगा देंगे हम। अब हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से इसको गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। चलिए, मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार है। तो आप ही पीजिए, घर में बनाइए, बच्चों को भी पिलाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। गर्मी आने वाली है तो ये बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।